बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि यकीनन जो लेक्चर्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इनको आप व्यू कर रहे होंगे। ज़रूरी है आप व्यू करें, नॉलेज को गेन करें, नॉलेज को एनालिसिस करें और अपने आप को अपडेट रखें। और जो सब्जेक्ट्स जो आपको ऑफर किए गए हैं इस सेमेस्टर में या इस सेशन में, इनसे आप लोग भरपूर फायदा उठाएं। रीजंस इसमें से बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन ये भी है कि आपको ये मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा कि ये चीजें सीखने के लिए। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, पहली बात। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये ख्याल कर रहे हैं कि आप लोगों ने मतलब आगे फिर पीजी की तरफ नहीं जाना है या फिर आपने एमएस लेवल तक ही अपने क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर ये सवाल मुझसे करते हैं कि आया हमें रिसर्च वर्क की तरफ जाना चाहिए या फिर कोर्स वर्क को ही फर्दर इसको हम जारी रखें। तो इट डिपेंड अपॉन यू कि आपने आगे करना क्या है, ये डिपेंड अपॉन यू। उसके मुताबिक फिर आप लोगों को इन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपने रिसर्च वर्क की तरफ नहीं जाना है, अगर आपने कोर्स वर्क को ही मैनेजर लेवल पे अपने कैरियर को डेवलप करना है, तो देन यू नीड टू यू नो इन्वॉल्व योर सेल्फ इन कोर्स वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ये आसान चीजें नहीं होती कि आप एक ही टाइम पे इसको देखें और फिर आपको क्लियर हो जाए। तो इसलिए आपके सिराने के नीचे सारे कोर्स के कंटेंट्स पड़े हुए हैं, लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है ना, आप वहां से अपना नॉलेज को इनिशिएट करें और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो दूसरी बात, जैसे कि हमारा मकसद जो होता है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो या स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा इंट्रैक्शन होता है, बेसिकली उनकी फ्यूचर के हवाले से भी उनको क्या लाए अमल अख्तियार करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए कि उनके अंदर स्किल्स ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज मैं आप लोगों को इस हवाले से भी थोड़ा सा कुछ मैं आपको बताता चलूँ। इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आज मैंने आपके पिछले का जो पार्टिसिपेशन, जो आप लोगों का पार्टिसिपेशन है, उसको मैंने रिव्यू किया और इसका रिव्यू रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो 80% जो है स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिमेनिंग स्टूडेंट्स मुझे यही कह रहे हैं कि हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ ये इश्यू है। तो स्टूडेंट देखें, इश्यूज, फैमिली इश्यूज, हमारे और भी ऑफिस के इश्यूज कभी खत्म नहीं होते। तो ये हमारे पर डिपेंड होता है कि हमने इनको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये एक चलता हुआ एक पानी की तरह है। एक नॉलेज को अगर हम इसको उस टाइम पे उससे फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर ये आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात कि इस बदलती दुनिया में मैं बार बार ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, दुनिया के बदलते हुए हालात के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ ना कुछ बात है, तो मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। तो इस हवाले से ये जो ग्लोबली जो चीजें हो रही है, जो ग्लोबल कम्युनिटी जो ऑब्जेक्टिव्स डेवलप कर रही है, जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, अपने आप को एक एडवांस कम्युनिटी कम्युनिटी पर के लेवल तक जाने के लिए जो चीजें वो अडॉप्ट कर रही है, तो उस जिमरे में हमने क्या करना है, तो उसको लिंक करके मैं हमेशा आप लोगों को ये चीजें एडवाइस करता रहता हूँ कि याद रखें कि नाउ क्वालिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है। एक कहते ना एथनोसेंट्रिज्म, एक मैनेजमेंट में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है कि हमेशा हम क्या करते हैं, अपने सोच से चीजों को परखते हैं। लेकिन हमने ये आदत नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम आगे कहाँ जाके हम एक दूसरे से यकजा हो रहे हैं, कहाँ पर आने वाले वक्तों में हमें मतलब चीजों के हवाले से हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि वहां पर हमें क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, इस हवाले से हम कभी भी नहीं सोचते। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आजकल हमारे मुल्क में भी ये बात है, अब बल्कि ग्लोबली एक चीज है कि
FATF की हम बात बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, इस ये ग्लोबल एक इदारा है, ठीक है, जो मुख्तलिफ कंट्रीज को मॉनिटर कर रहा होता है और मुख्तलिफ कंट्रीज को क्या करता है, उनके अंदर जो फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज है उनको सही मानों में सही सिफ्ट में ले जाने के लिए उनको मजबूर कर रहा होता है। जैसे कि हम आजकल जो हमारी जो कंट्री है ग्रे लिस्ट में, ठीक है, तो अगर हमने अपने मुल्क के अंदर फाइनेंशियल जो चीज़ें, ठीक है ना, फाइनेंशियल जो मैटर्स है, मामलात है, बैंकिंग के मामलात है, ठीक है ना, या फिर और जो पैसों का लेन देन के जो मामलात है, ठीक है, अगर हम इनको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, हम अपने पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे या लोगों के दिए गए पैसों को हम गलत अंदाज से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें, तो खुदा ना खास्ता अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो हम फिर ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। तो ब्लैक लिस्ट का मतलब ये हुआ कि हम फिर दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, दुनिया की कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान से लेन देन करने में मतलब वो इस लेन देन को स्टॉप करेगी। तो फिर उससे क्या होगा, उससे फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो लिहाजा हमें एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ अपने आप को अलाइन करने के लिए बहुत सारे कुर्बानियां हम लोग दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं बहुत यानी कि एक कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है कि हर कोई अपने लिहाज से यानी कि एक अजीब हालत में एक सोच रहा होता है। तो इस सूरत हाल में सारों को साथ लेकर चलना और एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ इनको हम आहंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें गवर्नमेंट जो भी होगी किसी भी कंट्री की या हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो जो भी फैसले इस हवाले से उठाएगी, जाहिर बात है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे ऊपर असर तो पड़ेगा। तो कामयाब वो लोग होंगे जो इस सूरत हाल में या इन चीजों में पहले से ही अपने अंदर डिस्प्ले ले किया। अब फ्यूचर में ये भी हो सकता है, आज एक उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की, कल कला हो सकता है सोशल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से कोई बात आ जाती है, कल कला क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से कोई टास्क फोर्स आ जाती है, तो उसमें हम लोगों को यानी कि हमें मजबूरन अपने अंदर एक क्वालिटी एजुकेशन या अपने अंदर अहलियत और काबिलियत को सही मानों में, ठीक है ना, उसको एडॉप्ट करने के लिए अगर हम मजबूर हो जाएंगे ग्लोबली, तो देन फिर आप खुद सोच सकते हैं कि फिर हमारी ये डिग्रियां बेकार होगी जब तक नॉलेज ना हो, क्योंकि जरूरी है ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर हम ग्लोबल इसके साथ हम इंट्रैक्शन हमारा हो चुका है, हम यानी कि अगर हम में से कोई एक खराब होंगे यानी ग्लोबल कम्युनिटी में, तो इसमें पूरे दुनिया के ऊपर इसके असरात होते हैं। मैं सिर्फ इस एकेडमिक के हवाले से नॉलेज के हवाले से जो रिसर्च के जो चीज़ें उस हवाले से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट यू नीड टू बी मोर केयरफुल, ऐसा कभी भी नहीं होता कहीं पर भी इतने स्टूडेंट को सहूलत नहीं मिलती है जितने कि हमने आपको दिए हैं। तो प्लीज़ काइंडली अपने आप को पहचानने की कोशिश करें और सबसे बेहतर सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो काम आपने करना है, जो काम आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना, वो सबसे अहम है कि उस काम को आप पहले करें। तो बस जो जिनको जो बात समझ में आनी चाहिए, जिनको के बारे में कह रहा था यकीन आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज ये जो हमारा सेशन है जो लेक्चर्स का जो सेशन है, ठीक है ना, इसको आप फॉलो अप रखें, पढ़ें लिखें, ठीक है, इसके अंदर आप अपना इन्वॉल्वमेंट शो करें और मुझे कुछ रिएक्शन दे दें, मुझे कुछ फीडबैक दे दें, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाए कि मैं आपको और अच्छी से अच्छी चीजें आपको बताता चलूं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने इस सब्जेक्ट की तरफ। देखिए सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मार्केट, ये कोई मतलब मामूली चीज नहीं है। इसकी वजह से अगर हम देखा जाए तो मैं आप भी अपने इलाके में देखें कितने लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना उनका इन्वेस्टमेंट और नॉलेज सारा जाया चला जाता है सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर स्ट्रेटेजिकल स्किल्स नहीं होती, ठीक है। तो लिहाजा ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं, ठीक है।
सिर्फ इसके जो एकेडमिकल डेफिनेशंस को समझना हमारी पढ़ाई का मकसद नहीं है, बल्कि इसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट भी करना। आप अपने दिग्गज जांचे, देखें आपके दिग्गज माहौल में क्या हो रहा है, लोग बिजनेस को कैसे लेके चलते हैं, लोग कैसे अंदरून मुख्तलिफ जगहों पे बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, और बाद में फिर उनका सारा सरमाया जाया होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारा बड़ा इशू है। तो लिहाजा इस चीज़ों से निपटने के लिए, इन चीज़ों को मुस्तकबिल में इन चीज़ों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर ये अहलियत लेके आए। तो जैसे कि हमने पिछले के तमाम लेक्चर्स में इसी चीज़ को समझने की कोशिश की कि मार्केटिंग इट्सेल्फ क्या है, देन स्ट्रेटजी इट्सेल्फ क्या है, देन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इट्सेल्फ क्या है, देन स्ट्रेटजिक मार्केटिंग क्या है, ठीक है। देन उसके बाद के कुछ लेक्चर्स में हमने दो चीज़ों को, दो एंगल्स को साथ मिलाने की कोशिश की, जो अहम चीज़ें, उसमें सबसे बड़ा जो है इनोवेशन, यानी इनोवेशन को कितनी इम्पोर्टेंट है, यानी इनोवेशन की मिसाल इस तरह से है जैसे कि इंसान के बॉडी के अंदर जब आप खाना, ठीक है ना, मसलन सुबह का नाश्ता करते हैं तो उससे आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपको फिर दोपहर का खाना खाना पड़ता है, देन शाम का, रात का, देन फिर अगेन सुबह का, यानी कि हर टाइम फ्रेश ब्लड, फ्रेश खुराक और फ्रेश फ्रेश फ्यूल की जरूरत होती है। सेम इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्रेश ब्लड की जरूरत पड़ती है आजकल के इस कम्पिटेटिव दौर में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो वो क्या चीज़ है, वो इनोवेशन है। जब तक आपके अंदर इनोवेशन ना हो, ठीक है, तो दैट इज इम्पॉसिबल कि आप अपने आप को इस मार्केट के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो इस वजह से हमने इनोवेशन के ऊपर, हमने अहमियत के ऊपर और इनोवेशन के लेवल्स क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, ये कैसे क्रिएट किया जाता है, ये कौन से ऐसे वजूहत होती है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एक इनोवेटिव लेवल तक चला जाता है, ठीक है, उसको हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। देन उसके बाद हमने स्ट्रेटजिक मार्केटिंग को इनोवेशन के साथ लिंक किया, ठीक है, यानी कि हमने ये कहा कि इनोवेशन हमने उसमें एक चीज लिंक करने की कोशिश की थी कि हमने कहा था कि आपकी स्ट्रेटजिक मार्केटिंग तब तक कामयाब नहीं होती जब तक आप अपने कंपटीटर के सलाहियतों को जांचते हुए, ठीक में परखते हुए, आप अपने कस्टमर के अनमीट एरिया को जब तक आप फोकस नहीं करते, तो अनमीट एरिया को फोकस करने का क्या तरीका हो सकता है, यही चीज होती है ना आप, क्योंकि अनमीट एरिया वो होता है आप तक किसी इदारे ने या किसी मार्केट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उस एरिया को देखा नहीं है या उसको टारगेट नहीं किया। तो देन इसका मतलब यू नीड टू you know, present some innovative thing, innovative knowledge हो सकता, idea हो सकता, product हो सकता, बहुत सारी चीजें। तो हमने इन दोनों चीजों को मिलाने की कोशिश की, ठीक है। Then हम यहाँ पर देखते हैं innovation की जब हम बात करते हैं तो innovation का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आपने एक नई idea को commercialize किया, but वो तो अपनी जगह सही है, बट ये जरूरी है कि आप जिस एरिया में ये चीज ला रहे हैं वो कस्टमर के अनमीट एरिया को, उसकी किसी डिमांड को सही तरीके से फुलफिल मीट कर रही है, तो देन ये आपकी ये चीज कामयाब हो सकती है। जिसका मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, लोगों ने नई चीजें लाई बट उन्होंने कस्टमर के अनमीट एरिया को कभी फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से वो चीजें नाकाम रही। तो लिहाजा ये जो चीजें होती हैं, ये सब चीजें ऐसे पलक झपकने में जहन में नहीं आती है, आपको मार्केट के अंदर स्टडी करना पड़ता है, लोगों से, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ब्रांड होते हैं आपके इलाकों में, शहरों में, उनसे डिस्कस करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कौन कामयाब हो, कौन क्यों नहीं हो, फिर उसके बाद एक ही चीज आपके जहन में खुद ब खुद आ जाती है कि हाँ जी, हमने जो चीजें पढ़ी है इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, ठीक है। तो इसी चीज को जारी रखते, जो हमने जो इस सॉरी, तो लेक्चर मुझे थोड़ा सा पहले देना चाहिए था, बट
कुछ वजूहात की बेस पे थोड़ा सा डिले हो गया, तो ये जो इस वीक के जो लेसन प्लान था तो उसके मुताबिक इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, यकीनन आपने पढ़ लिया। अगर कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं इसको रिव्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, जब आप रिव्यू करेंगे तो फिर इस लेक्चर को समझने में आसानी होगी। तो इस जो आज के जो टॉपिक है, ठीक है ना, उसमें हमने इसी चीज को लेके चलना है, और ये इस कॉन्सेप्ट का आखिरी लेक्चर होगा। देन उसके बाद हम मार्केटिंग के कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह जो आज का हमारा जो टॉपिक था, इसमें जो आज के लेक्चर में जो आप लोगों को जो बताना था वो था व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। यानी कि नाम से स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एक तो एनालिसिस होता है किसी चीज का तजिया करना, ठीक है ना, देखना परखना कि वो फंक्शन सही कर रहा है, ठीक है ना। बट एक कॉन्सेप्ट जो हमने इस चैप्टर में समझना है, ठीक है ना, कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है, ठीक है ना, कि एनालिसिस, जाहिर बात है अब आप स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा है, तो इन सब चीजों में एक सबसे पहला जो पहले कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया, तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। You need to analysis first. आपने सबसे पहले चीजों को परखना है, उनको तजिया करना, तो वो स्ट्रेटेजिकली आपने उनको क्या करना, देखना होता है। स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा बारीक बीनी से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके तमाम जो इंटरनल कैपेसिटीज होती है उनको एनालिसिस किया जाता है, उनको देखा जाता है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, जो हमारे पास कैपिटल है, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज है, ठीक है ना, उनको एनालिसिस किया जाता है, परखा जाता है कि किस तरह से कैसे परखा जाता है कि उन्होंने उन जो स्ट्रेटजिक जो हमने बनाए थे, जो गोल सेट किए थे उनको अचीव करने के लिए, क्या हम उसमें कामयाब हो गए, क्या उसको हासिल करने में जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है ना, वो उस चीज के काबिल हो गई, या उसके उस वो किस हद तक कामयाब हो गई, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, और जो इसके अलावा जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, मशीनरी है, ठीक है ना, दूसरे कैपिटल है, और दूसरे हमारे और भी जो चीजें हैं, क्या आया वो कामयाबी से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और कब तक कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके रीजंस क्या है, ठीक है ना, सब चीजों को परखना। स्ट्रेटजिकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो ये चीजें, ठीक है, इसमें बहुत सारी मिसालें भी आ सकती है क्योंकि टाइम का बड़ा भुगतान होता है, तो इसलिए मुझे इन चीजों को देखना पड़ता है कि हमने, क्योंकि आगे इन टॉपिक्स के ऊपर में चीजों को चला कंटेंट में अपने आप को एक्सपेंड कर लूंगा, यहाँ पे सिर्फ थीम समझने की कोशिश करने की कोशिश करें कि स्ट्रेटजिकल एनालिसिस क्या होता है, इसका ये सारी चीजें कि हम जिस काम को करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें हमारे जो है जीतने के कितने चांसेस है, ठीक है ना, कि हम जीत भी सकेंगे या नहीं सकेंगे, ठीक है। इसी तरह जब हम सर्जिकल एनालिसिस की हम बात करते हैं तो फिर मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने इसके टूल्स भी डिफाइन किए हैं, ठीक है, टूल्स डिफाइन किए हैं, और वो डिफरेंट टूल्स है जो डिफरेंट टाइम पे हमारे काम आते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, उसके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, एक प्लास भी होता है, ठीक है, उसके बाद एक पेशकश भी होता है, ठीक है, उसके बाद और बहुत सारे टूल्स होते हैं, सम टाइम वो करंट को चेक करने के लिए उसके पास एक आला होता है, तो जब वो इलेक्ट्रिकल का कोई काम कर रहा होता है ये टूल डिफरेंट टाइम पे वो इस्तेमाल कर रहा होता है, उससे उसके काम में आसानी हो जाती है,
और वह जिस मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है उस मकसद को आसानी से हासिल कर सकता है। तो लिहाजा हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह अपने नोट्स में पढ़ाऊंगा कि स्ट्रेटजिक एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद हम जो डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो क्यों इस्तेमाल करेंगे, वो उनकी अफादत क्या है और कब हमने करना है, ठीक है। तो लिहाजा एक बात यह है कि इसमें समझने के ये टूल्स इटसेल्फ इनकी कोई अहमियत नहीं होती, अहमियत होती है आप इसको किस वक्त और कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये जो आपके स्ट्रेटजिकल एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि ये स्ट्रेटजीज बनाने में अहम किरदार अदा करती, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, आपका जो आप क्या काम करने जा रहे हैं, ठीक है, किस चीज के लिए स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें और आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर क्या है, उसकी नोयत क्या है, उसके अंदर क्या इतनी एबिलिटीज है, किस हद तक आप उन टूल्स को अपना वहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको कामयाबी मिल सकती है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर स्ट्रेटजिक एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद देन ये कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको हमने वो कितने हैं, वो किस किस्म के हैं और हमने उनको किस तरह से उनको यूटिलाइज करना है, हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह इस चीज को भी आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे जो अहम इम्पोर्टेंट जो चीज जो आज समझने वाली, इसके बाद हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं ताकि आपका जहन तैयार हो जाए, कि सबसे अहम जो चीज होती है कि जो स्ट्रेटजी आपकी कामयाब होती है उसमें सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन क्या है, ठीक है, आपके जितने भी स्ट्रेटजीज हैं, जब जो भी आप काम करने जा रहे हैं, इट मस्ट बी यू नो अलाइन विथ योर ऑर्गेनाइजेशनल विजन, ठीक है ना। देन उस विजन को हासिल करने के लिए आपने क्या मिशन अडॉप्ट किए हैं, ठीक है ना, और फिर उन मिशन को टाइमली बार बार फुलफिल करने के लिए आपने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ठीक है ना। देन इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास टास्क क्या है, टास्क कैसे आपने होते हैं, ये सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि टास्क से ऑब्जेक्टिव, देन ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपका मिशन, देन मिशन के बाद फिर आपका ओवरऑल एक विजन, यानी कि फ्यूचर में आप कहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के इन विजन मिशन के बारे में, सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप स्ट्रेटजिक एनालिसिस कामयाब होती है। और देन एनालिसिस के बाद जो फर्दर इसके जो प्रोसेस होते हैं इनको हम पढ़ लेंगे कि उसको आपने कैसे फार्मुलेट करना अपनी स्ट्रेटजी को, देन फार्मुलेट करने के बाद देन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, ठीक है, उसको चलाना कैसे, वो सब चीजें हम इसमें जो पार्ट टू के लेक्चर में आप इसको पढ़ लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा आज का जो है टॉपिक जो है तकरीबन पिछले के टॉपिक की समरी है, तो आप इस लेक्चर को जरूर व्यू कीजिएगा और इंशाल्लाह इसके साथ ही इसके जो कॉन्टेंट है मैं उनको भी एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। तो इसके बाद फिर हमारा ये जो पोर्शन है स्ट्रेटजी के हवाले से, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के हवाले से, स्ट्रेटजी इटसेल्फ क्या होता है, देन स्ट्रेटजिक मार्केटिंग क्या होती है, देन इसके साथ इनोवेशन का क्या ताल्लुक है, जो सारी चीज़ जो हमने समझ लिया है, देन हम इसके बाद फर्दर हम मार्केट के फर्दर मार्केटिंग के फर्दर टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट।